हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, स्वागत है हमारे सेल्स टेक्नोलॉजी में आपका। ताकि हम आपके लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में रोज वीडियो नया अपलोड करते हैं, ताकि आप मेरी वीडियो से आप कुछ सीख सके और कुछ इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों को क्रिएट कर सके। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जो स्विफ्ट कोड रहता है बैंक का, वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जरूरी होता है दोस्तों, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्स निकालने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, ताकि मैं लास्ट तक आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देता रहूंगा, बता दूंगा। तो इसके लिए आप मुझे अच्छे से सुनिए, अच्छे से बातें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी बातें सुने और आपको आंसर की में वीडियो अपलोड करके दें। तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया नहीं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लाल कलर का डिब्बा का बॉक्स दिख रहा है, या फिर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक टॉपिक है, आपको बताएंगे कि आप गूगल पे चल जाइए, जैसे भी आप गूगल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, मतलब यानी कि मैं बताऊंगा, आपका खुद का ही यूट्यूब चैनल होगा। आपका अगर खुद का यूट्यूब चैनल होगा तो आप इस मेथड को जरूर देखेंगे, आपको जरूर एक काम आने वाली मेथड है दोस्तों, क्योंकि आपको जो यूट्यूब चैनल से पैसा अर्न कर लेते हो तो उसको पेमेंट आने की दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो पेमेंट आपका कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है तो वो कहीं भी ट्रांसफर ना हो, इसलिए इस कोड की जरूरत पड़ती है। तो देखिए हम इस कोड की इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देंगे दो तरीके से, एक तरीका आपको बताएंगे, एक तरीका में फेल होता है तो दूसरा तरीका जरूर बताएंगे। तो देखिए एक पहला तरीका है, यहाँ पे आपको डालना है IFSC स्विफ्ट कोड.com। जैसे भी आप ये देखिए, जैसे भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने IFSC स्विफ्ट कोड.com इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप IFSC कोड यहाँ पे स्टार्टिंग पर अपडेट तो होम पेज पर दिखा रहा है, तो लैंडिंग पेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड यहाँ पे दिखा रहा है, होम दिखा रहा है, IFSC कोड दिखा रहा है, स्विफ्ट कोड दिखा रहा है, MIFSC कोड, BSR कोड, जिप पिन कोड, लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें से आपको सिर्फ सिप कोड सिलेक्ट करने का। जैसे भी आप सिप कोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें से अपनी कंट्री चूज कर लेनी है दोस्तों। ये कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट बैंक का इंट्रोडक्शन, मतलब यानी बैंक का नेम चूज करना है, आपकी जो भी बैंक होगी उसको चूज कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक सिलेक्ट करेंगे तो स्टेट लगा दीजिए, स्टेट अपना जो भी होगा, स्टेट मेरा स्टेट महाराष्ट्र और सिटी, तो सिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का, सिटी मैं मुंबई सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पे ब्रांच जैसे भी आप इसे ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे मैं अंधेरी कर देता हूँ मेरे। तो देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ गई दोस्तों।
इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी दोस्तों। देखिए नीचे चले जाइए स्क्रॉल करके, यहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए। देखिए ये आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। सिप कोड आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंधेरी ब्रांच मुंबई सिटी, तो देखिए इसका सिप कोड ये आ गया ऊपर। ब्रांच नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंधेरी की ब्रांच है, एड्रेस मुंबई, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिप कोड की मिल जाएगी दोस्तों। तो ये मेरी एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बताते फिर से गूगल में चले जाइए। इस तरीके से आप सिप कोड की इन्फॉर्मेशन जानकारी कर सकते हैं, ऐप से कोड की भी कर सकते हो दोस्तों, एम आर सी कोड की कर सकते हो, बी एस सी कोड की कर सकते हो। मैं सिर्फ खाली इस वीडियो में आपको सिप कोड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल होगा तो आपको पेमेंट रिसीव करने में दिक्कत ना आए। तो देखिए मैं आपको फिर से गूगल में जाके दिखाता हूँ। जैसे भी आप गूगल में जाते हैं, तो आपको गूगल में क्या टाइप करना है दोस्तों, देखिए पहले टाइप करना है आपको स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट स्विफ्ट BIC कोड कोड और स्पेस करके बैंक का नाम डालना होगा, जो बैंक अब मैं अभी CBI कर दूंगा, CBI मतलब स्विफ्ट BIC कोड CBI, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया दोस्तों। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, BIC कोड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका कोड निकालना चाहता हूँ, वो भी ब्रांच का नाम स्पेस करके ब्रांच का नाम, ब्रांच का पे इंफॉर्मेशन। मैं अभी पारोला की इस ब्रांच की कोड निकालता हूँ, एक पारोला। ये देखिए यहाँ पे जो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ BIC कोड की इंफॉर्मेशन, कौन सी बैंक की, CBI बैंक की, और ब्रांच का पे पारोला, मतलब पारोला नाम सिटी का नाम है दोस्तों। जैसे भी आप सर्च पर इंटर करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए ये पारोला बैंक की इंफॉर्मेशन आ गई दोस्तों। इस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पारोला से इंफॉर्मेशन, CBI इस ऐप से कोड, इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो दोस्तों। स्क्रॉल करके नीचे कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड दिया गया है बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पारोला ब्रांच, इस तरीके से शेयर CBI कोड। ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पारोला, MIRC नंबर, ब्रांच कोड, स्विफ्ट स्विफ्ट कोड, ये जो बैंक का स्विफ्ट कोड है दोस्तों। ये देखिए बैंक का स्विफ्ट कोड है यहाँ पे, एड्रेस आप पास आए भास्कर पाटिल कॉम्प्लेक्स 1 फ्लोर नेशनल हाईवे नंबर 6 डिस्ट्रिक्ट जलगांव एंड महाराष्ट्र 425111, ये पिन कोड, ये एड्रेस यहाँ बैंक का है, यहाँ पे पिन कोड लगा दिया है। स्टेट यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ये कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर, सारी इंफॉर्मेशन एक ही झटके में आपको क्लिक पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना दोस्तों, अगर हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नई टेक्नोलॉजी का वीडियो रोज अपलोड करते रहे, क्योंकि आप इससे कुछ सीख सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।